अचानक खबर आई है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने शादी कर ली है, जिससे उनके फैंस झूम उठे हैं। तो वहीं कुछ लोग सरप्राइज हैं कि आखिर ये कब, कहां और कैसे हो गया। दरअसल शादी के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। समाजवादी पार्टी के नेता और मुंबई टीआईएसएस के पूर्व जनरल सेक्रेटरी फहाद अहमद को उन्होंने अपना हमसफर चुना है। अब खुद स्वरा ने एक वीडियो शेयर कर अपनी वेडिंग न्यूज रिवील की और साथ ही अपनी लव स्टोरी के बारे में सभी को बता दिया है। स्वरा भास्कर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अब उन्होंने एक पोस्ट के जरिए फहाद संग अपनी मुलाकात और लव स्टोरी के बारे में काफी कुछ बताया है। दोनों पहली बार 2019 में एक प्रोटेस्ट के दौरान मिले थे, जिसके बाद इनके बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ा। वहीं फहाद ने स्वरा को अपनी बहन की शादी में बुलाया था, लेकिन शूटिंग में बिजी होने के चलते स्वरा इस शादी को अटेंड नहीं कर पाई थी। लेकिन उन्होंने उनसे वादा किया था कि वो फहाद की शादी में जरूर शामिल होंगी। तब किसे पता था कि एक दिन वही फहाद की दुल्हनिया बनेंगी।